आज का ये वीडियो कॉफी के दीवानों के लिए। कॉफी की लाइकिंग तो हर किसी को है, हाँ ये जरूर डिपेंड करता है कि कई बार कोई कॉफी कम और कोई ज्यादा पीता है, लेकिन थोड़ी कॉफी तो हर किसी को पसंद है। गर्मियां आने वाली हैं तो अब शुरू हो जाएगी कोल्ड कॉफी, ठंडी ठंडी आइसी आइसी कूल कूल, और हॉट कॉफी का भी अपना मजा है। तो चलिए अब कॉफी मेकिंग पर आ जाते हैं कि कैसे बनाएंगे कॉफी। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल कॉफी। सिंपल कॉफी के लिए हमने हॉट मिल्क में कॉफी और शुगर मिलाना है और कॉफी को कप में डालकर एंजॉय करना है। तो यहाँ मेरी टिप ये रहेगी कि जब भी हम कॉफी पाउडर को दूध में मिला रहे हैं, तो अगर हमने पहले से दूध को गर्म कर लिया और फिर उसमें कॉफी ऐड करी, तो उसकी कुछ लम्स, उसकी कुछ गांठें बन जाएंगी और कॉफी को हमें छान कर पीना पड़ेगा। वैसे हमें कॉफी को बिल्कुल भी छानने की जरूरत नहीं रहती। तो करना ये चाहिए कि सबसे पहले आप ठंडे दूध में, ठंडे दूध का यहाँ मतलब है रूम टेम्परेचर में जो दूध है बिना हीट किया हुआ, उसमें आप कॉफी मिला दीजिए एक कप में एक टीस्पून के हिसाब से, या फिर एक टीस्पून या फिर एक सैशे के हिसाब से, और इसको एक फोक या स्पून की मदद से हल्का सा मिक्स करिए। इसे हीट करिए, बॉयल करिए और ये लीजिए हमारी सिंपल कॉफी रेडी हो गई। तो अब इसे एंजॉय करें। नेक्स्ट है हमारी फटाफट वाली फोमी कॉफी। अब इस कॉफी को घंटा घंटा बीट करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह बीटी फोमी कॉफी पसंद है, तो जब आप मिक्सचर मिक्स कर कॉफी और चीनी डालकर दूध में गैस पर रख रहे हैं, तो गैस फ्लेम को थोड़ा स्लो करें और कोई भी बीटर, इलेक्ट्रिकल, मैनुअल, विस्कर भी आप यूज कर सकते हैं, उससे आप इस कॉफी मिक्सचर को बीट कर दीजिए। इसको बीटिंग एंड बीटिंग एंड बीटिंग, बस थोड़ा सा बीटिंग करेंगे और ये झाग झाग और बहुत सारी झाग बन जाएगी, और बस विद इन 5 मिनट्स आपकी कॉफी रेडी है और आप इसको कप में डालें और एंजॉय करें। गर्मियों में सभी के मन को कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मेरी टिप ये है कि आप जब भी घर में कॉफी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उसके पाउचेस की पैकिंग लाएं, इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये पाउचेस, इससे क्या होता है जो कॉफी सूख जाती है, काली पड़ जाती है, नहीं पड़ेगी, और बड़ी कन्वीनियंटली आप जितनी रेशियो में जितने कप बनाना चाहते हैं हॉट या कोल्ड कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी ठंडी ठंडी कूल कूल कॉफी या शरबत शिकंजवी बनाते हुए एक और जो बात हमें प्रॉब्लम करती है वो ये कि जब भी हम कुछ कोल्ड कॉफी या ठंडा नींबू पानी शिकंजवी शरबत बनाते हैं, तो जो चीनी है वो तले में बैठी रह जाती है, क्योंकि चिल्ड पानी में चीनी मिक्स नहीं होती। तो इसका मेरा टिप ये है कि आप घर में अवेलेबल जो सिंपल शुगर है दानेदार, उसको ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए और इसको हमेशा एक कंटेनर में डालकर तैयार रखिए, तो जब भी आप ठंडा दूध बनाएं इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगी। तो मजा उठाइए कप ऑफ कॉफी का और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको ये क्रिएटिविटी ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप के आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो बाय क्लिकिंग दिस सब्सक्राइब आइकन। यू कैन शेयर दिस वीडियोस टू एनीवन बाय क्लिकिंग शेयर इट आइकन, एंड योर कमेंट्स योर सजेशंस आर ऑल वेलकम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ. टिल देन बाय बाय. थैंक्स टू ऑल.